गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिपाखीय जंग और कुछ सीटों पर चार पाखीय जंग देखने को मिल रही है। पहले चरणों में 89 सीटों पर मतदान हो चुका है, अब 5 तारीख को बाकी रही सीटों पर मतदान होगा। गुजरात में प्रधानमंत्री लंबे लंबे रोड शो करके पार्टी की स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल और दिल्ली मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान और दिल्ली पंजाब के विधायक, सांसद व विविध राज्यों के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए घर घर जाकर मोहल्लों में छोटी मोटी सभाएं संबोधित करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी साइलेंट तरीके से घर घर जाकर अपने उम्मीदवारों को जिताने में विविध राज्यों के विधायक, सांसद व पदाधिकारी व कार्यकर्ता की टीम उतर चुकी है। और गुजरात की जनता इस बार 27 सालों का वनवास खत्म करके एक मौका दे, ऐसी अपील कर रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता चंद्रकांत पुजारी ने कुछ पत्रकार और कुछ राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी व कुछ आम जनता से जानने की कोशिश की है। इस बार गुजरात चुनाव में उनका मत तब लोकमाया मैगजीन के मालिक अशोक भटनागर, भाजपा पार्टी व विविध धार्मिक संगठन के पदाधिकारी सतीश पंड्या जी, मियागाम कर्जन और जयेश भाई रसोईया, सामाजिक युवा कार्यकर्ता ने 2022 चुनाव के बारे में बताई अपनी मन की बात। नमस्ते भटनागर जी, आप गुजरात के अंदर कई दिनों से आए हुए, प्रवास पे हो, आप लोकमाया मैगजीन के मालिक हो, आपने बहुत दिन से गुजरात के अंदर प्रवास किए, हजारों गुजरात की जनताओं का मन टटोला, जानने का प्रयत्न किया कि 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आएगी और जनता क्या चाहती है इस बार, इसके लिए आपने जनता के मन से क्या जाना और जनता, यहाँ की जनता क्या कह रही है। नमस्कार पुजारी जी, मैं 8 दिन से गुजरात में हूँ, एक चक्कर पहले भी आया था, ये मेरा दूसरा चक्कर है और पूरे प्रदेश का तो नहीं किया है, पर कुछ पत्रकारों से बात हुई है और जिन विधानसभाओं में मैं गया हूँ तो इस बार मुद्दा जो है वो महंगाई है। महंगाई को लेके मैंने ये महसूस किया है कि इस बार जो मतदान होगा वो महंगाई पे होगा और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। बीजेपी कितने ही दावे करे पर बहुमत के आंकड़े को बीजेपी मेरे अपने नजरिए से तो नहीं छू पाएगी। अभी जो चैनल पे दिखाया जा रहा है, बड़ी बड़ी चैनलों पे, देखिए चैनल के बारे में पुजारी जी किसी से कुछ कहना नहीं है, चैनल पे क्या दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है ये सब जानते हैं। एक जो गोदी मीडिया चला है ये वो है, वही दिखाता है जिसका वो लोग देखना, मतलब आपका कहना है कि आपने रियलिटी में, क्योंकि आप कोई पक्षपात से कोई लेना देना नहीं हो, राजनीति से आपको कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल आपने जो जनता का मत जाना वही आप कह रहे हो, वही मैं कह रहा हूं, ना मुझे बीजेपी से कुछ है ना कांग्रेस से है। और लोगों में महंगाई के प्रति जो गुस्सा देखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार किसी भी पार्टी को गुजरात में बहुमत नहीं मिलेगा। भटनागर जी, जो रूलिंग पार्टी है वो अपने आप को कहती है राष्ट्रवाद, धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, विकास के नाम पे वोट लेने की और लोगों को आकर्षित करने की बात कर रही है, तो इसके देखिए भारत 2014 से नहीं चल रहा है, 2014 के पहले भी भारत चल रहा है, आजादी के बाद, आजादी जिस समय भारत को मिली थी उस समय हम सुई नहीं बनाते थे और हम आज हवाई जहाज भी बनाते हैं, और राष्ट्रवाद पहले भी था, ये जो भी ढिंडोरा पीटते हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। और जनता की भी और क्या बात आपको जानने को मिली कि जो विशेष इस बार असर करेगी ज्यादा? देखिए अब बहुत खुल के तो मतदाता रूलर पार्टी की बगावत कर नहीं सकता, मतलब आपका सकता। आपका कहना है कि मतदाता के अंदर परिवर्तन की लहर तो है, मगर बोल नहीं रहा है। परिवर्तन की लहर है, गुस्सा है महंगाई को लेके। अब ये मतदान में कितना परिवर्तन होता है और 8 तारीख को पता लगेगा। आप तो ये धन्यवाद। संस्कृति के
सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व जब हमें बीजेपी में भेजा गया। मियागांव करजन 147 विधानसभा में लगातार ये सातवें टर्म के चुनाव में देख रहा हूँ और सातवें चरण के चुनावों के अंदर अभी बैठे हुए हैं और मैं काफ़ी पदों पर कार्यरत रहा हूँ और यहाँ के लोकल चुनाव भी हारा हूँ, जीता नहीं हूँ एक भी चुनाव, परंतु पार्टी के अंदर अपना दायित्व और अपने कार्य पे आज भी खरा उतर रहा हूँ और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ा। सतीश भाई, 2017 के चुनाव और 2022 के चुनाव, ये दोनों चुनाव के अंदर आप क्या अंतर देखते हो? अंतर में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी कांग्रेस से आए कैंडिडेटों को शामिल करना, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है। उसकी वजह पार्टी अनुशासन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी विचारधारा से चलती हुई पार्टी है और पार्टी के नेता ऐसे ही आदरणीय सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों से आज भी गुजरात वाइब्रेशन पे ही है और गुजरात अच्छी तरह से पब्लिक के बीच में खड़ा है तो मोदी जी की वजह से, परंतु ये नेतृत्व कांग्रेसी मानसिकता विचारधारा को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, ये बड़ी दुखद घटना है। दूसरी बात है कि कुछ सीटों पे पहले चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण में बाकी है 5 तारीख को। आप तो बहुत सारे जिलों के अंदर लोगों से सीधा संपर्क है आपका, लोगों के साथ आपका एक पारिवारिक नाता है, तो इस बार के चुनाव के अंदर आप क्या देख रहे हो? उसमें ये चुनाव बहुत ही अहम है, गुजरात की जहाँ से मोदी साहब बिलोंग करते हैं, यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह जी बिलोंग करते हैं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना अनिवार्य है। कुछ असमंजस स्थितियाँ यहाँ खड़ी की हैं, कुछ नेतृत्व के कुछ अनजान में जो गलतियाँ की गई हैं और कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशियों को डायरेक्ट भाजपा में टिकट दी गई है, कहीं ना कहीं थोड़ा दुखद है। महंगाई का मुद्दा कितना असर करेगा? महंगाई का मुद्दा कोई असर नहीं करेगा, देख लो कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पे जो चल रही है और कांग्रेस के शासन में राजस्थान छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ पे यहाँ से भी पेट्रोल के भाव ज़्यादा हैं, गैस के बोतल के यहाँ 500 में देने की लालच दे रहे हैं परंतु 500 रुपये में राजस्थान या छत्तीसगढ़ ही दे देते। धन्यवाद, आपने समय में से समय निकाल के हमारे चैनल को आप अपने मन की बात कही, इसके लिए हमारे चैनल आपका तहे दिल से साधुवाद करते हैं। जय वंदे मातरम, जय बाबा। मैं बीसी न्यूज़ को खूब खूब आभार जो आपने मेरे को यहाँ पे सुना और आप मेरे लिए आए और इतनी मुलाकात दी, उसके लिए आपका मैं आभारी हूँ और सी न्यूज़ का आभारी हूँ। राजनीति ने केन्द्र में सांप्रत समय की राजनीति तब के जी रहा है, तुम्हारे दृष्टिकोण की केवी होगी जुए? टोटल राजनीति लॉबिंग कही सकते कि व्यापारीकरण कही सकते, टोटल राजनीति व्यापारीकरण थी रही है, पोता धंदाओ सारा चाले पोता लाभ न खातर राजनीति थी गई है, भाई सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो बने पोता लाभ खातर पोता मर्तियाओं लाभ खातर सत्ता में आवा मांगे छे अने एमना थकी जे लोको आवे। तमारो केवानु ए छे के जे पार्टी नी जे कोई विचारधारा थी ए टोटली विचारधारा जीरो करी दीधी। विचारधारा तो क्या छे ने, विचारधारा तो विहीन, विचारधारा विहीन राजनीति, मतलब फक्त ने फक्त व्यापारीकरण ज छे, ओनली फॉर व्यापार, धंधो व्यापार, धंधो व्यापार अने પોતાના મળતા નેતા લોકો પોતાની જાતને એમ કહે કે અમે જનતાના સાચા સેવક છે, કોઈ સાચા સેવક નથી, અગર સેવક હોત તો પોતાની વેતન છોડી નાખે, वेतन ना खातर पोताना भत्ताओ डबल ना करावत, एना माटे बिल पास ना करावत, एना माटे नियमो ना दर वक्ते पोताना भत्ता पोताना हाथे ना वधारत। बीजो है के तमे मतदान करवा जसो, मतदान नी तारीखे गुजरात विधानसभा में चूंटणी छे, दिवसो नजीक छे, तमे मतदान करवा जसो, पण तमे मतदान करवा गया त्यारे 1-5 बनावना उद्देश्य थी चूंटणी में उभा रहेला होशे, रूपलल्लाना दीवाना होशे, कुकर्म करवा वाला लोकने बचावनारा होशे, बराबर, वारंवार गुजरात में पेपर लीक थी जाए तेवा लोग ने बचावनारा होशे, बराबर, भ्रष्टाचार नी अंदर लोग जो होशे भ्रष्टाचार नी अंदर डूबेला तेवा मोटा मोटा हाथीओ ने बचावनारा लोगों होशे, એટલે એવા જ લોકો હશે તો શું તમે એવા લોકોને ઉમેદવારને મત આપવા તૈયાર છો? ઉમેદવારને તો વોટ અપાય નહીં અને રિજેક્ટ કરવાનું જો ઓપ્શન ગવર્નમેન્ટ મેકતી હોય તો હું તો રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આવા ઉમેદવારોને રિજેક્ટ માટેના વોટોનું પણ એક જોડે એક બટન, તો અત્યારે નોટાનું બટન આવેલું જ છે ને, મૂકેલું જ છે કે તમે નોટાનું બટન દબાવો એટલે કોઈને જ મત નહીં, આ બધાના હાલવા કરતા નોટાનું બટન દબાવવું વધારે મને અનુકૂળ લાગશે, પણ રિજેક્ટ ટુ ઓલ છે, પણ પર્ટિક્યુલરલી રિજેક્ટેડ હોય લિસ્ટ ને સારાને આગળ વધવાનો ચાન્સ મળે તો હું વધુ એની અંદર કરવાનું
ચૂંટણી આયોગને કહીશ કે આવા બટનો પણ મેકે જેનાથી આવા ઉમેદવારોને પણ ખબર પડે કે આટલા લોકો અમારા વિરુદ્ધમાં છે ને આટલા લોકોને અમારી વિચારશ્રેણી અમારું કાર્ય પ્રવૃત્તિ ગમતી નથી. ધન્યવાદ. ગુજરાત ગાંધીનગર સે હમારી સંવાદદાતા ચંદ્રકાંતસિંહ પૂજારી કી યે રિપોર્ટ.